और 25 तारीख से जब आप नया एंट्री करेंगे बूस्टर पैकेज में, तो पहला जो करेंगे वो 2.0 में जाएगा, दूसरा जो करेंगे वो 1.0 में जाएगा, तीसरा करेंगे यानी 1/1 2.0 1.0 2.0 1.0, ऐसे करके आपके $15 बूस्टर पैकेज में जाएंगे। और इससे क्या होगा कि दोनों का बूस्टर पैकेज बेहतरीन होने वाला है। 15 से 50 भी मिलेगा 6 लोगों के माध्यम से 2.0 में, और पहले भी 6 लोगों के माध्यम से ही आपको 1.0 में मिलता रहा है। दोस्तों, टीम बिल्डिंग बोनस की बात करते हैं तो 25 लेवल का प्लान है 2.0, और यहाँ पे जो पहला लेवल है वहाँ से आपको स्पॉन्सर बोनस का पैकेज मिल रहा है 15% का। उसके बाद दूसरे से लेके चौथे लेवल तक आपको, आप अगर किसी को आपके डाउन में जो लोग ओपल कर रहे हैं अगर वो दूसरे से चौथे लेवल में है तो आपको $2 मिलेगा। पांचवें से लेके 17वें लेवल तक अगर कोई कर रहा है आपके डाउन का तो $1 आपको मिलेगा। और 18वें से लेके 25 लेवल में अगर आपके कोई है जो ओपल 2.0 कर रहा है तो आपको $0.50 मिलेगा। अगर आप उनको जैस्पर करा रहे हैं तो दूसरे से लेके चौथे लेवल में कोई है तो $4 मिलेगा, पांचवें से लेके 17वें लेवल में है तो $2 मिलेगा, और 18वें से लेके 25वें लेवल तक है तो $1 मिलेगा। अगर आपने उनको हेसोनाइट करा लिया तो आपको दूसरे से लेके चौथे लेवल में $8 मिलेगा, और पांचवें से लेके 17वें लेवल तक $4 मिलेगा आपको, और अगर वो आपके 18 से 25 लेवल तक हैं तो $2 मिलेगा। आपने अगर उनको अलेक्जेंडर करा लिया तो आपको ये $16 दो से चार लेवल के लोग देके जाएंगे, जो आपके दो से चार लेवल के नीचे अलेक्जेंडर करने वाले लोग होंगे 2.2 का। अगर वो आपके 5 से 17 लेवल में हैं तो $8, और 18 से 25 लेवल में अगर कोई अलेक्जेंडर कर रहा है आपके डाउन आपकी लाइफ लाइन तो $4 आपको मिलने वाला है। अगर आपने उनको टोपास तक पहुंचाया तो $32 दो से लेके चार लेवल तक के लोग देके जाएंगे आपकी लाइफ लाइन, और पांचवें से लेके 17वें लेवल तक $16 देके जाएंगे, और अगर वो 18 से 25 लेवल के लोग हैं आपके लाइफ लाइन तो आपको $8 की इनकम देके जाएंगे। बशर्ते इस इनकम को लेने के लिए आपके पास कंडीशन क्या है कि अगर आप ओपल पे हैं तो 2 से 5 लेवल का इनकम ले पाएंगे, अगर आप जैस्पर 2.0 हैं तो आप 10 लेवल तक का इनकम ले पाएंगे, अगर आप हेसोनाइट 2.0 कर लिए हैं तो आप 15 लेवल का इनकम ले पाएंगे, अगर आप अलेक्जेंडर 2.0 कर लिए हैं तो 20 लेवल का इनकम ले पाएंगे, और अगर आपने टोपास 2.0 कर लिया तो 25 के 25 लेवल का इनकम आपके खाते में जाने वाला है। अगर आपने नहीं किया तो ये फ्लैश आउट होके आपकी उस अपलाइन के पास जाने वाला है जिसने ये सारे रैंक करे हैं, यानी जहां तक आपकी एलिजिबिलिटी है वहां तक आपको मिलेगा, उसके बाद वाला जो है वो आपकी अपलाइन को जाने वाला है। तो इसके लिए तैयार रहिए कि आप मैक्सिमम अपने रैंक करिए, क्योंकि अगर आपकी टीम है तो आपको सारी इनकम लेने के लिए आपको तत्पर होना पड़ेगा। क्लब बोनस की बात करते हैं, सिस्टम ने एक बहुत जबरदस्त तरीका आपको दिया इनकम करने का। अगर आपकी 2.0 में आप जो टीम बन रही है, अगर 100 लोगों को आपने ओपल करा दिया और खुद ओपल पे हैं, 2.0 का ओपल आपने किया है, आपके डायरेक्ट 5 ओपल वाले लोग हैं 2.0 के, तो आपको 1% का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा सिस्टम। अगर आपने आपकी टीम 250 की हो गई ओपल की, यानी आपके टीम में 250 लोगों ने ओपल किया, तो आप खुद ओपल 2.0 पे हैं तो आपके अब डायरेक्ट में 10 लोग अगर आपने कर लिया तो आपको 1% और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी टोटल 2%। अगर आपकी टीम 500 की हो गई, अब आपने जैस्पर कर लिया और आपके डायरेक्ट में 15 ओपल के खाते लग गए तो आपने 1% और एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपने 1000 की टीम कर ली और जैस्पर 2.0, आप अभी भी जैस्पर 2.0 पे हैं और आपकी टीम 1000 की हो गई, आपके डायरेक्ट में 20 लोग ओपल 2.0 वाले हो गए तो आपको 1% और मिलेगा। अगर आपने 2000 की टीम बना ली ओपल 2.0 की,
आप हेसोनाइट रैंक पे पहुंच गए 2.0 के हेसोनाइट पे, और आपके डायरेक्ट में 25 ओपल वाले खाते, 2.0 के ओपल खाते आपने कर लिए खुद के डायरेक्ट में, तो 1% और। अगर आपने 5,000 की टीम बना ली 2.0 में और हेसोनाइट 2.0 आपका खुद का रैंक है, आपके डायरेक्ट में अगर 30 ओपल वाले खाते खुल गए तो आपको 1% और। अगर आपने 10,000 की टीम बना ली, आपको एलेक्जेंडर होना पड़ेगा 2.0 का, आपके डायरेक्ट में 35 खाते टोटल होने चाहिए, आपको 1% और मिलेगा। अगर आपने 15,000 की टीम बना ली, आप एलेक्जेंडर 2.0 हैं, आपके डायरेक्ट में 40 खाते हो गए ओपल 2.0 वाले, तो आपको 1% और। अगर आपने 20,000 की टीम बना ली, आप टोपाज 2.0 पे चले गए तो, और 45 डायरेक्ट कर लिया आपने ओपल 2.0 का, तो आपको 1% और। अगर आपने 30,000 की टीम बना ली और टोपाज 2.0 पे हैं, आपके डायरेक्ट अगर 50 हैं तो 1% और। यानी कि 30,000 की टीम ओपल की, टोपाज 2.0 पे आपका रैंक, 50 डायरेक्ट, तो आपको टोटल 10% मिलने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त इनकम है, बहुत ही बेहतरीन इनकम है। लाइफ टाइम रिवार्ड में आपको ये समझना होगा कि पहले जैसे आपकी मंथली क्लोजिंग होती थी टीम परफॉर्मेंस बोनस की 1.0 में, जो आज भी चल रही है और अनवरत चलती रहेगी, उसी तरीके से आपका लाइफ टाइम रिवार्ड है। लेकिन यहाँ पे आपका कुछ भी फ्लैश नहीं होगा, ये आपको मिलने ही मिलने वाला है, चाहे आपकी टीम डेप्थ में, चाहे जितने लेवल तक चली जाए। यहाँ पे अगर आपने 1,000 रिवार्ड पॉइंट, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आप किसी को ओपल 2.0 करा रहे हैं, आपके टीम में कोई कर रहा है तो 1 रिवार्ड पॉइंट, जैस्पर 2.0 करा रहे हैं तो 2 रिवार्ड पॉइंट, हेसोनाइट 2.0 करा रहे हैं तो 4 रिवार्ड पॉइंट, एलेक्जेंडर 2.0 करा रहे हैं तो 8 रिवार्ड पॉइंट, टोपाज 2.0 करा रहे हैं तो 16 रिवार्ड पॉइंट। तो उसी तरीके से इन सभी रिवार्ड पॉइंट जो आपके पास आएंगे, अगर आपके सुपर फोर लेग के माध्यम से आ रहे हैं, जो सबसे बढ़िया लेग काम कर रहा है वो 40%, जो दूसरा सबसे बढ़िया काम कर रहा है वो 25% के रेशियो में, तीसरा जो सबसे बढ़िया काम कर रहा है 20% के रेशियो में, और चौथा या अदर जितने भी हैं वो मिला के 15% के रेशियो में ये रिवार्ड पॉइंट आपके पास आ रहे हैं, और इन सबके माध्यम से अगर आपके पास 1,000 रिवार्ड पॉइंट कलेक्शन हो रहा है तो सिस्टम आपको $2,000 आपके खाते में क्रेडिट कर देगा। नेक्स्ट पे आपका 3,000 रिवार्ड पॉइंट जब बनेगा तो $6,000 क्रेडिट कर देगा। यानी कि ये आपका फ्लैश आउट नहीं होने वाला, लैप्स नहीं होने वाला, ये आपको मिलना ही मिलना है, बशर्ते आपके रिवार्ड पॉइंट तभी बनेंगे जब आप अपनी टीम को अपग्रेड कराते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपका 10,000 रिवार्ड पॉइंट है तो $20,000, अगर आपने 30,000 रिवार्ड पॉइंट तक काम किया तो आपको $60,000, अगर आपने 1,00,000 रिवार्ड पॉइंट पे काम किया तो $2,00,000। इस तरीके से आपका ये इतना ज़बरदस्त इनकम होने वाला है, क्लोजिंग एवरी मंथ पे है दोस्तों, आपकी इस रिवार्ड पॉइंट की क्लोजिंग जो है वो प्रत्येक महीने पे है। अब दोस्तों ऑटो पूल बोनस की बात करते हैं। आपका जो ऑटो पूल है ओपल का, पहला ऑटो पूल $3 का है, दूसरा $6 का है, तीसरा 12 का है, चौथा 24 का है, पांचवा 48 का, छठवां 96 का, सातवां 192 का, आठवां 384 का, नौवां 768 का, और दसवां जो है वो 1536 का है। टोटल जो आपका 10 किस्तों में आपको पूल आएगा वो आएगा $3,072 का ओपल 2.0 का। क्योंकि सिस्टम ने 100% जो हम लोग फंडिंग कर रहे हैं ओपल 2.0 में, उसका 25% पूल में बांटा है। जैस्पर 2.0 का जो पूल आएगा वो आपका $6, $12, $24, इसी तरीके से 10 किस्तों में टोटल $6,144 का आएगा। हेसोनाइट 2.0 का $12, $24, $38, $96, इसी तरीके से टोटल 10 किस्तों में $12,288 का आपको मिलने वाला है।
अलेक्जेंडर 2.0 का $24, $48, $96, $192, इसी तरीके से टोटल 24,676 का मिलने वाला है, और जो आपका टोपाज का पूल है 48, 96, 192, 384 करके टोटल 10 किस्तों में आपको $49,152 का मिलने वाला है। पूल विड्रॉल की कंडीशन आपको पहले ही बता दी गई है। दोस्तों सर्किल बोनस की बात करते हैं। सिस्टम में जो नई तब्दीली की गई है 1.0 में, वो सर्किल बोनस है, जिसके वजह से आपका पूल फास्ट होने वाला है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आपको नए नए खाते ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे आपके ही छोटे छोटे डॉलर्स के डिडक्शन से, और आपकी इनकम में ग्रोथ होती रहेगी, और वो भी बाई प्रोसेस दो की मैट्रिक पे सेम तरीके से जैसे आपके पूल आते थे वैसे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो सर्किल बोनस है वो भी 25 लेवल का है। ओपल 2.0 में जो सर्किल बोनस है 1 से लेके 25 लेवल में जो पैसा बटेगा आपका वो 6.6 करके 25 लेवल में बटने वाला है। यानी आपकी टीम 1.0 में जो ये टीम जा रही है, जितने भी लोग आपकी टीम में आ रहे हैं वो आपको सर्किल बोनस देके जाएंगे जब आपका 6वां से 10वां किस्त जाएगा। जैस्पर में 1.2 करके 25 लेवल में बटने वाला है सर्किल बोनस। दोस्तों एसोनाइट में 2.4 करके 25 लेवल में बटने वाला है। आप सोचिए कितनी बड़ी इनकम होने वाली है। अलेक्जेंडर में 4.8 25 लेवल में बटने वाला है, और टोपाज में 9.6 25 लेवल में बटने वाला है। अब ये इनकम लेने के हकदार आप कैसे होंगे, इसको भी समझना है कि आपका जो सर्कल बोनस है उसके लिए आपके 5 लेवल खुलेंगे ओपल अगर आप 2.0 हैं। अगर आप जैस्पर 2.0 हैं तो 5 लेवल, एसोनाइट 2.0 हैं तो 5 लेवल, इसी तरीके से टोटल 25 लेवल का लेने के लिए आपको टोपाज तक जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा ये सिस्टम है जिसको आप समझ सकते हैं। मैंने जहाँ तक अभी तक समझा है उतना मैंने बताया है। बहुत ज़्यादा टिपिकल करेंगे किसी भी चीज़ को तो आप उलझ के रह जाएंगे। सुलझने का एक सबसे अच्छा तरीका है पहले एंट्री करिए, उसके बाद चीज़ों को समझते रहिए। क्योंकि एंट्री आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इनकम लेनी है, और उस इनकम को निकालने के लिए फिर जो कंडीशंस हैं उसको हमें पूरा ही करना होगा, जैसे हम 1.0 में कर रहे थे, और अपने जो कंडीशंस है उसको पूरा करके हम अपने पूल्स विड्रॉल कर रहे थे। मुझे लगता है, मुझे आशा और उम्मीद है कि आप मुझे समझ पाए होंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त सर, सुपर से भी ऊपर। कि पहली बार बहुत कम समय में आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ भी लिया और लोगों को बताया भी, और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था एक एक चीज। जिन भी साथी ने सुना है और जो भी साथी ना सुने हो, कहीं ना कहीं अपने अपलाइन से जरूर संपर्क करें, क्योंकि यह सिस्टम बहुत ही दमदार, जानदार, शानदार है। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए सिस्टम पूरी तरह से तैयार है, बस आपको तैयार रहना है अपने आप के लिए। तो सर का धन्यवाद करेंगे अपनी अपनी जगह से सभी लोग, क्योंकि सर ने बहुत कीमती वक्त दिया, और ऐसे टाइम में जो कि देखिए सभी लीडर्स बिजी हैं, बिजी शेड्यूल में से भी सभी लीडर्स यहाँ पे टाइम दे रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। तो सभी लीडर्स का धन्यवाद, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी पार्टिसिपेंट इस मंच के ऊपर से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक बार मलिक सर से सलाह करना चाहूंगा कि मलिक सर अभी आगे बढ़ाएं मंच को। अमित सर अब तो मेरे हिसाब से सभी के क्वेश्चन का समाधान भी हो गया होगा। अमित सर अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज गाइड कीजिए सर। सर ले लीजिए, और भी लोग होंगे 2-4, कम से कम 10 क्वेश्चंस लेने के बाद सर वाइंड अप करिए, और हमारे लीडर्स हैं उनको भी सुनना जरूरी है सर। अब तो मुझे लगता है कि लीडर्स को सुनना ज्यादा उचित होगा। हाँ सर, क्योंकि समय है नहीं, तो आई होप कि लीडर्स जो है कुछ ना कुछ तकनीकी जानकारी दे जाएंगे लोगों को, और बाकी सभी लोग काफी टाइम से बने हुए हैं मीटिंग्स में, तो बहुत सारी जानकारी मिल भी चुकी है। तो मेरे हिसाब से भी सर बाकी जैसा आपकी आज्ञा हो लीडर सर इनकी तरफ चलें।
यस यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो साथियों, हम सभी लोग लीडर्स से सुनते हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा तकनीक जरूर आपको बताएंगे जिसके कारण बस आपको 2.0 का फायदा उठाने में कहीं से कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं डायनामिक पर्सनालिटी लीडर्स को सुनने की तरफ। तो सबसे पहले आप सभी के समक्ष मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे भारत की नारी शक्ति, परम शक्ति और जबरदस्त डायनामिक पर्सनालिटी लीडिंग लेडीज ओनली वन मिसेस एसएस पटवार मैम एमपी से। मैम वेलकम, स्वागत है आपका, अभिनंदन है इस मंच पे। आ रही है लोगों को 2.0 की कुछ ना कुछ जानकारी आप जरूर बताइए। प्लीज वेलकम है मैम आपका। वेलकम करेंगे सभी लोग। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर। वैसे मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ सर, माफी चाहूंगी और सभी पार्टिसिपेट को इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन और दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। और यहाँ जितने भी ग्रेट लीडर हैं सभी लोगों को चरण वंदन। तो सर मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, प्लीज मैं एक शब्द कह के और अपनी बात को बिल्कुल तुरंत विराम करूंगी सर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल कम समय शब्द ही रहेंगे मेरे बस बस कि कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू। थैंक यू सर। शोर मत कर अभी गमों की रात है दोस्तों, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ ही पलों की तो बात है बस। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय ट्वेल्वी लाइन, जय ट्वेल्वी लाइन सर। बहुत बढ़िया। तो साथियों आपने सुना एक महिला शक्ति जो हमारे देश के लिए बहुत सम्मान की बात है कि इतना आगे बढ़ के मैम काम कर रही है। और देखिए जब इनके जो जुमा से ये बात आती है और कितनी अच्छी बात है कि हम सभी लोगों को बहुत बढ़िया सिस्टम मिल गया है इसमें आगे बढ़ने का और बहुत सारे लीडर्स डायनामिक लीडर्स हैं जिनको समझने का, सुनने का और आगे बढ़ने का। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, हम अगले क्रम में ग्रेट डायनामिक पर्सनालिटी जो कि हम सभी के बीच में उपस्थित है मांगीलाल सर। मांगीलाल ये सोना से सर आपका ग्रेट वेलकम है सर, आइए इस मंच पे सर, आपका अभिनंदन है। मांगीलाल सर प्लीज वेलकम सर। वेलकम सर। थैंक यू दीपक सर, आपने इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया सर। दोस्तों मैं मांगीलाल यशोना एमपी जिला देवास से हूँ और मेरे ग्रेट अपलाइन अभी जो बोल रहे थे अमित मौर्य प्रयागराज से, इनका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा कि सिस्टम में ये मेरे को लेके आए। और मेरे और भी ग्रेट लीडर जैसे विकास मलिक सर है, अप्रोच सर है, दीप चंद दादा है, दीपक रंजन सर है। सर आपकी तो होस्टिंग बहुत गजब की है और एस एस पटवार दीदी है और भी बहुत सारे रमनलाल सर है, विजय गोयल बथरा से है, ये सभी ग्रेट लीडर का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं थोड़ा सा ही बोलूंगा लेकिन थोड़ा समझ के ही बोलूंगा। पीडीएफ भी आ गया, अपन 8-10 दिन से मतलब इसको 5-6 दिन से समझ भी रहे हैं। मतलब मैं एक ही बात बोलूंगा कि 100 बात की एक ही बात, अगर आपने खेत में गेहूं बो दिए है तो उसको कैसे काटना है, वो कौन सी मशीन ले जाना है, कौन सा वो उसमें हथियार चलेगा, वो सब अपन बाद में समझेंगे। अगर आपको दोस्तों बड़ा पैसा कमाना है तो बिल्कुल आप 2.0 में जरूर लीजिए। मान लो आपको विचार करिए कि अगर आपने 2.0 में एंट्री ले ली $60 से और आपका ऑटोपुल आ गया 50,000 का, तो तुम दो बंदे को मोटिवेट अगर नहीं कर पाओगे क्या? बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। और जैसे सर ने बताया कि टीम बिल्डिंग बोनस और रिवार्ड इनकम, क्लब इनकम, इसमें बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल 2.0 का ही प्लान जब से ही चल रहा है और 5-6 दिन से चल रहा है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का भाग आप दिलवा सकते हैं, है ना। भले दो डायरेक्टर प्लस करके फिर दो ऐसे जिसमें जितनी क्षमता हो, यानी कि मैं यूं ना बोलूंगा कि आप कर्जा करके करो, आप जितना पॉसिबल हो उतना करिए, लेकिन 2.0 बहुत बड़ा धमाल मचाने वाला है दोस्तों, बिल्कुल 100%। और एक बात और बोलना चाहूंगा, किसी लीडर को बुरा लगे या भला लगे, मतलब अपनी जो मेन आईडी है उसी के ऊपर फोकस करना है। यानी कि अगर आपने खेत के आसपास बागर बागर यानी कि तार फेंसिंग कर दिया है तो आपके खेत में जानवर नहीं जाएंगे, नुकसान नहीं होएगा बिल्कुल भी। जितनी बड़ी डेप में आपकी जितनी से जितनी
मतलब वो दुनिया में से कहीं भी आपकी टीम है वहां से भी अगर बिजनेस होता है तो आपको मेन आईडी पे बिल्कुल पूरा पैसा मिलने वाला है दोस्तों, बिल्कुल। मैंने ये गणित बहुत बिठाया, मैं रोज मनन करता हूँ, रात में मीटिंग के बाद में भी मेरे को नींद नहीं आती, एक आध घंटा सोचता हूँ समझता हूँ, और मैंने तो अच्छे से समझ लिया, पीडीएफ को कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे अमित मौर्या सर ने बोला कि 25 क्या और भी नीचे का बंदा भी अगर आता है तो भी आपकी वो पॉइंट, रिवार्ड पॉइंट, क्लब के पॉइंट, ये सब जुड़ेंगे, एक मिले, आधा मिले, दो मिले, चार मिले, लेकिन मिलेंगे, लेकिन मेन आईडी को ही मजबूत बनाना है। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मांगीलाल सर, बिल्कुल सही कहा आपने, गजब कहा। और साथियों बिल्कुल सही कहा सर ने कि आपको अगर खेती काटनी है तो खेती करनी है उससे पहले ना। सिस्टम भी हमारे बीच ऐसा है कि आपको जिम्मेदार अपने आप के लिए होना है, यह सिस्टम बहुत कुछ देने वाला है, दे चुका है, और जब आप लेने के लिए तैयार हो जाएंगे तो ये सिस्टम बिल्कुल देने को तैयार है। सिस्टम हमेशा दो कदम आगे है आपसे, आपके जीवन में आपको कामयाब बनाने के लिए। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगले हमारे ग्रेट डायनामिक पर्सनालिटी, एक महागुरु हम सभी के, मिस्टर अफरोज सर चंडीगढ़ से, वेलकम है सर आपका, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है सर आपका। आइए सर, कुछ थोड़ा सा समय निकाल के, वैसे तो आप हमेशा ही बिजी रहते हैं, थोड़ा सा समय निकाल के लोगों को प्यार दीजिए सर, प्लीज। वेलकम है सर आपका, सभी लोग वेलकम करेंगे सर का। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर है सर? क्लियर है सर, क्लियर है सर। थैंक यू सर, और मैं भी आपसे बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत जबरदस्त सर ने प्लान दिया अभी 2.0 का। ऐसा लग रहा है कि अमित सर को बहुत पहले पीडीएफ फाइल मिल चुकी थी ये, जिस तरह से उन्होंने प्लान दिया है सर, लेकिन ऐसा नहीं है, प्लान हम लोगों के बीच में ही आज से 3 दिन पहले ही पीडीएफ फाइल आई है, और एक एक चीज अमित सर ने क्लियर किया यहाँ पे। और मैं आप लोग से अभी बात करते करते भी फंड ही बना रहा हूँ अपनी टीम के लिए, और बहुत जबरदस्त सर 2.0। देखिए 2.0 तो चलिए एक अलग चीज है, जो हमारे बीच एक नई चीज आई और स्टडी के लिए एक नया ऑप्शन आया है, लेकिन अब कहना चाहूंगा तो देखिए, हम लोग अगर पिछले 8-10 महीने से सिस्टम में है जो लोग, अगर 5 महीने से भी जो लोग सिस्टम में है, तो सिस्टम ने अपने आप को प्रूफ कर दिया है। अब हम लोगों को प्रूफ करना है, और हम लोग को प्रूफ करना है सर, ये सिर्फ 2 दिन का टाइम है हमारे पास, आज आज का ही टाइम है और कल पूरा दिन है, तो यहाँ पे देखिए बहुत कुछ होने वाला है। जो सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करेगा सर, 100% अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सिस्टम, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इनकम जनरेट करने वाला आने। बड़ी इनकम है, आप यकीन मानिए, अगर किसी में 100-200-300 लोगों की टीम बना ली, अगर किसी ने 100-200-300 लोगों की टीम बना ली सर, और टॉलीवुड में टीम बनाना बहुत आसान है क्योंकि सिस्टम इतना जानदार है। मुश्किल सर वहां आती है, कहीं जब सिस्टम अगर टफ हो तो वहां टीम बनाने में टाइम लगता है, लेकिन ये सिस्टम इतना आसान है कि आपकी टीम ऑटोमेटिक क्रिएट होनी शुरू हो जाती है सर। अगर आपने 10-20 लोगों की टीम क्रिएट करी तो सिस्टम उठा देता है उनको। तो थैंक यू सर, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, दीपक सर प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, ग्रेट सर, जो इतने बिजी शेड्यूल में भी आपने समय दिया साथियों के लिए, और साथियों देखिए सर अभी भी बिजी है, और मैं आपको बता दूं, आप सभी के साथ, हम सभी के साथ ऐसा ही हो रहा है और होने वाला है कि आप काम में इतने बिजी हो जाएंगे, और बिजी भी ऐसा क्या होना, स्मार्ट वर्क में बिजी होना, जिससे बहुत सारा धन अर्जित होता है। तो ये सिस्टम ऐसा है कि नो डाउट ये सिस्टम आपको वो सारी चीजें दे सकता है जीवन में, वो सारी चीजें दे सकता है जिसकी आप कल्पना बचपन से करते आए हो, शायद कि हाँ आपके पास अपना एक लग्जरी गाड़ी, घर है ना, अच्छा परिवार का अच्छा जीवन, आप एकदम फ्रीडम की तरफ हो, मतलब पैसे ऐसे हो जो आप जिस चीज पे हाथ रखे कहें कि चल ठीक है इसको पैक कर दो, और पैसे की टेंशन नहीं है, कि पता है हमारा 12 व्हील लाइफ
तुरंत ऑटो पोल दे देगा। सिस्टम अब तक का सबसे बड़ा साथियों जो यह सिस्टम है पावर सिस्टम की ऑटो पूल बोनस, जो लोगों को पता भी नहीं होता काम करने में वो व्यस्त होते हैं और वो फिर भी बोनस के रूप में आगे दिख जाता है। ये समझिए कि हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम सभी लोगों को टॉलवेल लाइफ जैसा एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिल गया है जो कि रोबोटिक है, सॉफ्टवेयरिक है, क्राउड फंडिंग में काम करता है। केवल आपको कैलकुलेशन सीखना है। सवाल तो देखिए सवाल कभी भी होंगे नहीं जब आप उसको दिल से समझेंगे, और है भी तो उसको क्लियर करिए और फिर अगले स्टेप पे आगे बढ़िए। नो डाउट कि ये टॉलवेल लाइफ एक ऐसा गजब का दृश्य है सभी के लिए जीवन में, जिसने दिशा बदलने का रास्ता दिखाया और दशा बदल दिया जीवन में लोगों का। और बहुत सारे लोग आज रिजल्ट के रूप में इस मंच पे भी अभी उपस्थित हैं आप सभी के बीच में, हम सभी के बीच में, और बहुत सारे लोग फील्ड में अभी इस टाइम काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सो नहीं पा रहे थे, इसे मैं आपको बताऊं, डॉलर लेने देने से फुर्सत नहीं है साथियों। मेरे साथ खुद भी ऐसा है कि मुझे भी बहुत सारे डॉलर बहुत जगह भेजने हैं और नेटवर्क का भी हमें सब लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं हम, और ऐसे ही इसी क्रम में एक बहुत ही जबरदस्त डायनामिक पर्सनालिटी हम सभी के बीच उपस्थित है, जिनको हम सभी लोग सुनना पसंद करेंगे, चाहेंगे कि सर आए और कुछ टेक्निकल बात बता के जाएं, इस मंच से सभी को अच्छा एक संदेश दे 2.0 के लिए। तो हम सभी के बीच में उपस्थित है मिस्टर बासा सर, वेलकम है सर आपका, वेलकम है, ग्रैंड वेलकम बासा सर, वेलकम है सर आपके इस मंच पे, वेलकम वेलकम वेलकम। जी सर नमस्कार, इस महान मंच में मुझे दो शब्द रखने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर फिर दोबारा, क्योंकि मैंने अभी प्रेजेंट भी बाइनांस में कुछ चल रहा हूँ, क्योंकि परचेस का चला रहा हूँ मैं। थैंक यू सर। दोस्तों यहाँ पे हमने सिर्फ हमारा टारगेट है 1.0 का जो करने का है कर दिया, सिर्फ वो मौका जिसको छूट गया था ना, लेकिन वो ही मौका हमारे लिए अब मिला हुआ है 2.0 वर्जन में। अगर इनको टच करने का हमारा काम सिर्फ इंटरनेट रहना चाहिए, हमारे पास इंटरनेट है, आपके पास अगर चाहे सिस्टम हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, अगर नेटवर्क परिधि में आप लोगों को बिल्कुल रहना है। अगर नेटवर्क नहीं है सिर्फ हमने क्या कर दिया, रात 12 बजे हुआ, मैं घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ बोलने से, आपको 2.0 का टच करने का बहुत दिक्कत पड़ जाएगा, थोड़ा से इधर उधर घूमना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी किसी घर के पास अंदर गया नेटवर्क नहीं आएगा, लेकिन उसी को क्या है, कल एक दिन का मेहनत है, सिर्फ पक्का कंपल्सरी जरूरी आप लोगों को बैठ जाओ, अगर नहीं है उस दिन कहीं ना कहीं प्रबंध कर लो। अगर ऐसा टच करने का है आप लोगों को, कहीं 2-4 ऐसे ही 5-8 वहां पे टॉपॉज तक टच करना चाहते हैं, आप लोग कहीं वाईफाई का जगह पे बिल्कुल रेडी पे रहना, क्योंकि अभी भी टाइम है, फिर भी कल आपके पास फोन भी चेंज कर सकते हैं, सिर्फ इंटरनेट है, चाहे कोई भी फोन में हो, आपने आपका वैलेट का अकाउंट नंबर और आईडी नंबर और पासवर्ड इतना रहने से ही चल जाएगा, चाहे किसी का फोन में भी आपने ओपन करके किसी को मत दे दो पासवर्ड वगैरह और ट्रांजेक्शन पासवर्ड, किसी को देने का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपका रिश्तेदार है आपका ही, उन्हीं का फोन में आपने हैंडल कर सकता है, 100% है, क्योंकि आपका ही फोन में करने का कोई जरूरी नहीं है। इसलिए तो छोटा मोटा पॉइंट्स को क्या है, आप लोग इसको यूज करो, अगर जिसका मोबाइल में है दो सिम है तो वो एक सिम को हटा दीजिए कल के लिए, अगर वो सिम को हटा दो, एक ही सिम से काम चलाओ वहां पे, वो सिम को क्या है अगर ज्यादा कॉल आ रहा है तो दूसरी मोबाइल में डाल दो, वहां पे भी एक आपका क्या है फोन के लिए ज्यादा हेवी लोडिंग नहीं पड़ेगा। और एक बात है, यहाँ पे कुछ आदमी क्या है पहले से ही अकाउंट ओपन करके रखेगा ना 10 मिनट 5 मिनट का पहले, उसको रिफ्रेश में ही रहना, ये नहीं है मैंने अकाउंट ओपन कर दिया फोन उधर रख दिया तो होगा नहीं, फिर आपने क्या है बिल्कुल बैक में जाके फिर फ्रंट में आएगा, जो सिस्टम में काम करने वाला लीडर्स क्या है सबको मालूम है, अरे हमेशा वो कंटिन्यू ऑन में ही रहने से ही तभी वो रिफ्रेश हो जाएगा, फोन ऑफ हो गया तो बिल्कुल फिर बैक में जाके लॉग आउट के जैसे ही हो जाता वो, इसलिए तो ये बात भी ध्यान में रखना है कंटिन्यू,
क्योंकि कंटिन्यू भी आन में रख दिया तो वो एक ही बार में, क्योंकि देखो ये चीज के ऊपर कम से कम तो लाखों आदमी हजारों आदमी एक ही बार प्रेशर पड़ेगा तो वहां पे तो हैंग हो जाएगा, बहुत वजन पड़ जाएगा। इसलिए तो वहां पे सिस्टम में क्या है, फिर भी हमारे लिए टालबन लाइफ बहुत मजबूत से इतना अपग्रेडेशन चल रहा है अंदर का अंदर ही, फिर भी काम कंटिन्यू ही चल रहा है, कभी हमारा काम कभी नहीं रुका है किसी का भी, इसलिए तो काम चलते रह रहा है। वो काम की वजह से हमने क्या है 2.0 के लिए रेडी रहना है, तो हमारे पास 100% मोबाइल को बिल्कुल टनाटन रख लो। ये है बाकी पॉइंट्स, तो हमने नेटवर्क रहने वाला जगह में ही रहना है। बाकी कुछ क्या है, सबसे पहले कहीं कुछ आदमी रहता है, मतलब जो फंड खरीदा होगा उनके लिए चलेगा, जो ऑटो कॉल आया हुआ है कहीं बूस्टिंग बोर्ड आया हुआ है बोल के, वो मेन वैलेट में है तो आपको तो दिख जाएगा 420 ऐसे ही, नहीं तो $60 $180, लेकिन उसी में क्लिक करूंगा बोलने का वो चक्कर में कभी नहीं रहना। जो भी है आपका अकाउंट का नीचे जो मेन वैलेट में रहता है उसको फंड वैलेट में रहना है, चाहे $1 हो चाहे $100 हो, पूरा का पूरा आपका नीचे है तभी आपने क्लिक कर सकता है। लेकिन हर एक जने को ये नया चीज है, जब अकाउंट ओपन हो जाएगा हो सकता है तो 2.0 कमिंग सून बोल क्या है वहां पे भी दे सकता है, अगर वहां पे नहीं है उस पेज को हटा देगा, अगर वो पेज को हटा दिया है तो जब यहाँ पे एक्टिवेशन एरिया है मेनू प्रोग्राम है लेफ्ट साइड में आप लोगों को तीन लाइन, उस तीन लाइन को क्लिक कर दिया तो ऊपर से तीसरी वाला एक्टिवेशन एरिया है, वो एक्टिवेशन एरिया को क्लिक कर दिया तो वहां पे अपग्रेड पूल है, अपग्रेड पूल की जगह पे ही दूसरी कॉलम आ सकता है। लेकिन चाहे आपको भी मालूम नहीं मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन हर चीज हमें ही ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। वहां पे क्या है अपग्रेड पूल 2.0 वर्जन बोल को रहेगा, वहां पे क्लिक कर देना। लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही जस्पर नहीं किया होगा ना, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है कंफ्यूजेशन में, अपग्रेड पूल में फर्स्ट वर्जन में क्लिक कर दिया ना आपने, 2.0 को टच नहीं कर सकते दोस्तों, उसको थोड़ा सा ध्यान दे देना। 2.0 का अपग्रेड पूल और पहले का अपग्रेड पोल का बहुत वेरिएशन रहता है, थोड़े से देख लेना उधर को, थोड़े से स्टडी कर लो, अपना आप ही मिल जाएगा। एक सेकंड लेट होने से भी परवाह नहीं, लेकिन आपने $100 को जिस पर में मत लगाओ वहां पे। बस सर, थैंक यू सो मच सर, और भी लीडरों का सुनने का है, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर, दीपक सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपका बासा सर, धन्यवाद आपका, क्योंकि बहुत अच्छी शेयरिंग आपने दी, बहुत सारी अच्छी जानकारी दी आपने लोगों को, जिससे लोग अवेयर हो जाएंगे कि कल करना क्या है। जी बताइए। ये अलीराजपुर से अंतिम अलावा सर, इनको बुलाइए मंच पर थोड़ा सा, इनको अलीराजपुर से। अलीराजपुर से सर अंतिम अलावा सर, हैंड रेज करिए सर, वेलकम है सर आपका, वेलकम, स्वागत है सर आपका, हैंड रेज कराइए सर। बाकी साथियों आप लोग हैंड डाउन रखें, क्योंकि जी एक मिनट सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका, अंतिम वाला सर। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर नेटवर्क की दिक्कत है, चलिए कोई नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। तो साथियों सर का नेटवर्क में दिक्कत है, और मांगीलाल सर मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, कोई हमारे बीच बड़े कोई लीडर हो जिनकी शेयरिंग हम सुन सकते हो। सर चार पांच हैंड आए जा रहे हैं, इनको पूछ लीजिए क्वेश्चन कोई हो तो, चार पांच हैंड्राइज आए हुए हैं। हैंड्राइज ले लो सर, हैंड्राइज सर जल्दी से कराइए, क्योंकि अब हम ये थोड़ा, विकास कुमार जी हैं, इनका मेरे पास मैसेज आया था, इनका हैंड्राइज की डाउन कीजिए। ठीक है बच्चा, ओके विकास कुमार। तो साथियों देखिए ज्यादा हैंड्राइज मत करिएगा, पांच ही हैंड्राइज लेंगे, क्योंकि समय कम है और सभी को काम भी है, तो मैं चाहता हूँ कि हर समय की कीमत हम समझे। तो विकास कुमार जी आपने अनम्यूट कर दिया सर, आपने कुमार जी, विकास कुमार जी सर वेलकम है आपका,
सर एवरेज बढ़ते जाएंगे। विकास मलिक सर, मलिक सर अभी अभी एवरेज आप रहने दीजिए, अब हम लोग चलते हैं वाइंड अप की ओर। सुमित जी कोई क्वेश्चन है आपका? सुमित जी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए सर। साथियों किसी को अगर समय दिया जा रहा है तो समय करते हुए जल्दी जल्दी जी कंटिन्यू सर, बोलो सर बोलो। नमस्कार, मुझे एक चीज पूछना है जी, बार बार थोड़ी सी बुरा नहीं मानेगा, आप लोग शेयरिंग कर रहे हैं या इधर से उधर करना है इधर करना है तो कंफ्यूजन होता है। सबसे रिक्वेस्ट है कि टॉलविन वन एंड टॉलविन टू ऐसे कहेंगे तो थोड़ी क्लियरिटी होती है। इसके मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, आज जब से मैं सुन रहा हूँ, मैंने कब से हैंड रेज करना चाह रहा था। मेरा एक सवाल है, सबका ही होगा मेरे ख्याल से, कि देखिए जैसे कि मेरी दो आइडिया है टॉलविन वन में। टॉलविन वन में एक मेरी पूरी ब्लू सफायर है और मैंने उसके नीचे 12 डायरेक्ट लगा के रखे हैं। अब मेरा मैं बोल लेता हूँ, फिर जहाँ मेरी गलती है मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा। अब मैं ये ब्लू सफायर की आईडी को मैं टॉलविन टू में टोपैज तक पूरा अपग्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। एंड नंबर टू, जो मेरी दूसरी आईडी है जो हेजनाइट है, उसके नीचे भी मैंने 12 डायरेक्ट करके रखे हैं, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उसको हेजनाइट से टॉलविन टू में उसको अलेक्जेंडर या टोपैज तक भी मैं उसको अपग्रेड करूं। अब मेरा सवाल ये है कि टॉलविन वन में तो मैंने अपनी पूरी क्राइटेरिया कंप्लीट करके रखी है विड्रॉ करने के लिए ब्लू सफायर की, जो मैं टॉलविन टू में टोपैज तक करूंगा तो मुझे उसको विड्रॉ करने के लिए मेरे को क्या क्राइटेरिया है, थोड़ा टॉलविन वन टॉलविन टू करके जरा क्लियरली बताइएगा जी, धन्यवाद सर। आपने मुझे म्यूट नहीं कीजिएगा, मैं शायद मैं कुछ सर, आप माइक बंद कीजिए, पहले माइक बंद कीजिए, जब आपको माइक माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए सर। अब आपके हम पहली आईडी पे काम करते हैं, जो आपकी फर्स्ट आईडी जो ब्लू स्पायर है और आप उसको टोपाज तक ले जा सकते हैं, तो आपको केवल इतना करना होगा टॉलविन टू में कि आपके अगर सारे लेवल का आपको ऑटोपोल निकालना है तो आपको 10 बंदे अपने डायरेक्ट वाले 2.2 टॉलविन टू में लेके जाने हैं ओपाल पे। और आपको मैं थोड़ा अपने तरीके से बता दो जी। तो थैंक यू सर। और सुमित सर, जो आपका सवाल था बिल्कुल सही सवाल था आपका, और आई होप कि उससे बहुत सारे लोगों को जवाब मिल पाएगा। तो मैं बताना चाहूंगा वाले वर्जन में, यानी 2.1.0 जो है पहला टॉलविन नंबर वन, उस वाले में जब आपने सारे लेवल्स पूरे कर लिए हैं और सारे अपग्रेडेशन भी पूरे कर लिया है, क्योंकि आपने इस बात को क्लियर कर लिया है कि भाई सारे लेवल अपग्रेड करने के बाद ही एक के बाद हम एक लेवल को विड्रॉल कर पाएंगे, तो आपने फुलफिल कर लिया है उस क्राइटेरिया को, आपने पूरा कर लिया है। अब रहेगी 2.0 यानी टॉलविन 2.0 की बात। 1.0 का मैंने बता दिया पहले वाले का, दूसरा 2.0, तो 2.0 का जो दूसरा टॉलविन वर्जन है जो अब स्टार्ट हो रहा है, उसमें क्या है, आप जो लेवल कर रहे हैं अपग्रेड, मान लीजिए आपने पहला किया ओपल का, ठीक, 5 लेवल का पूरा कॉन्सेप्ट है, तो मान लीजिए आपने एक लेवल ओपल का किया, तो आपको ओपल का पैसा निकालने के लिए जब आप विड्रॉल करेंगे, जब उसका फंड आएगा, तो विड्रॉल करने के लिए उसको आपको क्या करना है, आपको जाना है जसपुर वाले लेवल में, और वहां पर भी ओपल के लिए 2 लोग आपको पहले डायरेक्ट कराने हैं और जसपुर में अपग्रेड करना है जाके आपको, तो 2 लेवल वहां भी 2 लोग हर लेवल में आपको चाहिए विड्रॉल करने के लिए, और नेक्स्ट लेवल आपका अपग्रेड होना चाहिए, जैसे पहले वाले का पैसा लेने के लिए आपको दूसरे वाले पे जाना है। तो ये चीज सभी लोगों को क्लियर एकदम समझ लेना चाहिए कि आप जैसे पहले वर्जन में यानी टॉलविन 1.0 में आप जिस तरीके से अपग्रेड किए हैं, यानी ओपल का पैसा लेने के लिए आप जसपुर में गए, कंडीशन पूरा किया 2 लोगों की जो है नहीं, सेम आपको दूसरे वाले लेवल में भी ऐसा ही करना है। तो उम्मीद करता हूँ सुमित सर आपको भी क्लियर समझ में आया होगा, और जितने भी साथी आपने सवाल पूछा तो बहुत अच्छा किया कि क्लियर हो गया होगा जी। तो सेम जो जी, थैंक यू सो मच सर। हमने मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, जो सेम हमने टॉलविन वन में क्राइटेरिया पूरा किया है, सेम हमको टॉलविन टू में करना है, सिंपल। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सेम है, ठीक है, बस इससे काम हो जाता है आसान, क्योंकि जो काम आप कर के आगे बढ़ जाएंगे वो काम अपने अपने मेंबर को सिखाएंगे।
ठीक है ठीक है। आप अगर आप गए हैं, आप क्यों एक लेवल को अपग्रेड किया आपने, और आपने क्या किया, आपने सहयोगी को एक लेवल अपग्रेड कराया, तो आप जिस लेवल पे चले जाएंगे उस लेवल पे आपको अपने साथियों को लेके जाना है, क्योंकि आप लेके जा पाएंगे तभी आप पहले वाले का पैसा ले पाएंगे, और वो सभी के लिए सर। तो ऐसे क्या होगा, सिस्टम में क्राउड भी आएगा और सिस्टम में फंड भी आएगा, ठीक है। जब तक सिस्टम में क्राउड नहीं आएगा, सिस्टम से फंड किसी को नहीं जाएगा, ठीक है सर। क्लियर है? क्लियर है जी, क्लियर है। मैं, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, चलिए, थैंक यू सो मच सुमित सर। मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू सो मच सुमित सर। और साथियों देखिए, सुमित सर ने बहुत अच्छा सवाल रखा का जवाब बहुत सारे साथियों को मिल रहा। हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि फिर से मेरे को थोड़ा सा, चलिए साथियों, तो हैंड रेज हम सर जी, जल्दी जल्दी सर, जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं जी। हाँ जी, तो सिंपल जो सभी के लिए, मेरे लिए भी, जैसे हमने वन में किया है पैसे विड्रॉ करने के लिए, वैसे ही हमको टू में करना है, सेम क्राइटेरिया, और कुछ नहीं है बस अभी। और मैंने अभी तक इंस्टॉलमेंट टू में अभी तक तो जैसे अपग्रेड होगा, अभी हमें डायरेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस जब फंड निकालना है तब हमको नीचे डायरेक्ट भी लगाना है, सही है ना जी सर? डायरेक्ट नहीं लगाने सर, अपने डायरेक्ट वाले बंदों को उधर लेवल अपग्रेड कराना है, 2.0 में लेके जाना है सर। जो आप करेंगे वो आपको करवाना है लोगों से, उसको विड्रॉल करने के लिए, जो आपके लिए वो सबके लिए, ठीक है? ओके ओके, ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू आपका। तो साथियों हम एक दो साथी को और सुन लेते हैं, किसी का और कोई सवाल हो। चलिए, रमनलाल जी है एक हमारे बीच में, रमनलाल जी हैंड रेज था, रमनलाल चौधरी जी वेलकम है आपका। हेलो जी, रामलाल चौधरी जी वेलकम है आपका। मैं कह रहा हूँ सर, वर्जन टू आने से क्या अपना ओल्ड वाले में उसका ऑटो पुल स्पीड बनेगा, बूस्टर में भी स्पीड बनेगा या नहीं? जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है सर आपकी। आपका कहना है वर्जन टू के आने से क्या ऑटो पुल की स्पीड बढ़ेगी कि नहीं, यही पूछ रहे हैं आप जी? जो अभी 3 महीने में ऑटो पुल आ रहा है, बूस्टर 4 महीने में आ रहा है, क्या उसकी अवधि कम हो जाएगी या बढ़ेगी? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, सुन ली मैं आपकी बात मैंने सुन ली है सर। तो आप सुनिए और बहुत सारे साथियों को भी इसका जवाब मिलेगा जो आपने सवाल रखा है। मैं आपको बता दूं साथियों के, देखो एक क्राउड बेस्ड प्रोग्राम है, और जब सिस्टम पहले वर्जन में चल रहा था, तो पहले वर्जन में सिस्टम देखिए कि बहुत अच्छी इनकम दिया है, एक एक दिन में 3-3 ऑटो पुल दिया है। इसको, इस कैलकुलेशन को केवल समझने की जरूरत है। अब बात है कि क्राउड से ही फंड आता है, क्राउड को ही फंड जाता है। आप सोचिए कि सबसे पहले लोग शुरुआत कहां से करते हैं, ओपल के लेवल से, ओपल के लेवल से शुरू करते हैं। तो ओपल के लेवल से शुरू करने के बाद धीरे धीरे, पहले पैकेज में ही आपको 1.25 लाख रुपए की पैकेज मिलती है $30 के कारण, ठीक। तो आप समझिए पहले लेवल से ही जैसे जैसे क्राउड बढ़ेगा सर, ऊपर वाले लोग जब पैसा कमाएंगे, नीचे वाले लोग नीचे से कमाना शुरू कर देंगे। तो आप यह समझ लीजिए जितनी तेजी से क्राउड आएगा उतनी तेजी से फंडिंग बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि 2.0 में लोग जल्दी जल्दी अपग्रेड कर रहे हैं। आप समझ लीजिए अभी जो भी सिस्टम के पास क्राउड है उसकी स्पीड इतनी है कि आप देखिए अभी से ही डाटा नेटवर्क यानी जो है दिक्कत होने लग रही है सभी को, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयरिक प्रोग्राम है उस पर काम चल रहा है, कल की लॉन्चिंग है, सभी लोगों के सामने है, इसकी तैयारी सभी लोग कर रहे हैं बड़ी तेजी से। और समझ लीजिए कि क्राउड बढ़ रहा है, सिस्टम अगर आज तक दिया ना होता सर, इतना लोग तैयारी नहीं करता। आप देख पा रहे हैं लीडरों के पास टाइम नहीं है, आज की डेट में समय नहीं है, क्योंकि जिनको मिला है आप सभी के बीच में जी। आज मैं जो भी पुरानी आईडी अपग्रेड करता हूं तो उसमें मैं ये बताता हूं, हर 3 महीने में एक ऑटो पुल आएगा, यानी 12 महीने में 4 ऑटो पुल आ जाएंगे, क्योंकि अभी चल रहा है, ठीक है। जो समय आता है उसके अधीन पर आपको, लोगों को कभी भी ये मत बोलिए जी ऑटो पुल 3 महीने, उसको 10 किस्त बताइए ना, सारे लोग तो यही कहते हैं, ये तो पुराने प्लान में भी सिखाया जाता था, ठीक है। तो आप समय चलिए एक सेकंड दीपक सर, हाँ जी सर बोलिए। वो एज ए कोई भी लीडर टाइम पूछता है, एज ए टाइम बताइए कितने टाइम में आ जाएगा 10 किस्त हमारी। सर सर आप मुझे बताइए आपकी टीम कितनी बड़ी है सर? 50 लीडर है सर।
नहीं, आपका अकाउंट कब एक्टिवेट हुआ था सर? मेरा तो ज्यादा नहीं हुआ है, बट बहुत ही कम टाइम हुआ है, लगभग 3.5 महीने हुए हैं। अच्छा, तो मेरा तो डैड कितने आया है? आपके डैड कितने हैं सर? मेरे तो 50 लीटर है डायरेक्ट, बट सर मेरी बात सुनिए, आप आपके डायरेक्ट कितने हैं? आपने डायरेक्ट कितने लगाए सर? डायरेक्ट तो 50 लगाए हैं और मैंने मेरा लेवल 4 ही किया है, बट जो मेरा ऑटो पुल तो वैसे फर्स्ट ही $1.5 आया, पर जो ग्रुप में देखा जा रहा है, देख रहा हूँ मैं टाइम अवधि, फर्स्ट और सेकंड ऑटो पुल आने में तो एवरेज 3 महीने 2.5 महीने। सुन लीजिए, टीम कितनी बड़ी सर आपकी? 50 बोल रहा हूँ ना सर। हाँ, मुझे पता है सर, आपके डायरेक्ट में 50 है या पूरी टीम 50 की आपकी? ऑल ओवर 50 है मेरे पास। आपके डायरेक्ट कितने हैं वो बताइए, आपने डायरेक्ट कितने लगाए हैं जिस से आपको स्पॉन्सर इनकम मिली है? मेरे 10 डायरेक्ट की हैं। ठीक है, अब सुनिए सर, जो आपको काम करने के लिए तनख्वाह मिलती है सर जी, और आपको टीम परफॉर्मेंस 7,000 मिलती है जी, अपग्रेडेशन इनकम आपको 7,000 मिलती है जी, ठीक है, उसमें तो आपको लेट नहीं होता, जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको आपके अकाउंट में आ जाती है जी सर, तो आप उस पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। और जो ऑटो पोल आता है सर वो आता है ग्लोबली जी सर, ठीक है, तो सर हमारा भी फर्ज बनता है क्योंकि सिस्टम सारा पैसा बांट रहा है 100% जी, तो ऑटो पोल कहाँ से आएगा? जैसे जैसे नए बंदे हम लेकर आएंगे वैसे वैसे ही ऑटो पोल आएगा, अगर हम सारे के सारे बंदे बैठ जाएंगे इंतजार में तो ऑटो पोल नहीं आएगा सर, अभी 3 महीने का रहा, 6 महीने में भी नहीं आएगा सर, सही बात है, 10 महीने में भी नहीं आएगा, सही है, ध्यान से सुनिए, अगर हम नया यानी क्राउड आएगा, अगर मैं आया हूं तो मैंने अपने प्लान को दिया, मैं जिसको लाया हूं उसने मुझे दिया, ठीक है, जिसने मुझे दिया वो किसी को लेकर आएगा तो उसको मिलेगा, ठीक है सर, राइट, सिस्टम अपने पास से कुछ नहीं दे रहा है सर, हमारा ही पैसा है, हमें ही बांटा जा रहा है सिस्टम में ये 2 की बैठी के अनुसार। ये तो हो गया आपका सर ऑटो पोल का, अब जैसे ही आपके 2 बंदे डाउन में लग जाएंगे ग्लोबली तो आपकी पहली किस्त आ जाएगी, जब भी आप किसी को ऊपर में लेकर आते हैं सर तो $15 आपके रेफर इनकम में चले जाते हैं, $7.5 आपके टीम में बढ़ जाते हैं और $7.5 से 10 बंदों का पहली किस्त रिलीज हो जाती है, ठीक है सर, तो इसमें हम टाइम नहीं दे सकते हैं, जितनी तेजी से क्राउड आएगा उतनी तेजी से ऑटो पोल आएगा, इसीलिए सिस्टम ने अब जो नया टू वर्जन आ रहा है और इसके साथ रिसाइकिल आ रही है, जैसे ही आपकी ओपाल की 6ठी किस्त आएगी तो आपके $15 कट जाएंगे, उसमें $7.5 की आपकी नई आईडी लग जाएगी और $7.5 में से आधा ऑटो पोल में चला जाएगा और आधा आपके टीम में बढ़ जाएगा, इस तरीके से आपकी एक आईडी से ही 31 आईडी लग जाएंगी, ठीक है, जब 31 आईडी लगेंगी तो ऑटो पोल भी फास्ट होगा, तो सर हमारा भी कुछ फर्ज बनता है जब हम कोई काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट पर ध्यान कीजिए, अगर डायरेक्ट पर ध्यान देंगे आप तो आपकी टीम भी बढ़ेगी, अगर हर बंदा 12 डायरेक्ट का एरिया पूरा कर ले, आप आए अपने 12 डायरेक्ट किए, जो 12 आप लेकर आए उनके भी 12 डायरेक्ट कराइए, 144 को 12 डायरेक्ट कराइए, 1720 और 1720 को भी 12 डायरेक्ट कराइए तो 10,000, और फिर इस तरीके से उस वो टीम बढ़ती चली जाएगी तो लाखों करोड़ों क्योंकि आपकी टीम बन जाएगी, तो ऑटो पोल भी फास्ट आएगा, जैसे जैसे सिस्टम में क्राउड आएगा ऑटो पोल फास्ट होगा, तो सर ऑटो पोल तो क्राउड से ही आना है, इसमें टाइमिंग कुछ नहीं है सर, तो सभी को काम करना है, सभी को अपनी जिम्मेदारी संभालनी है, तो ऑटो पोल को छोड़कर कुछ लीडर का ये कहना है कि वर्जन 2 आने से उसका कुछ परसेंटेज पुराना वाला जो अपना ओल्ड चल रहा है उसमें कुछ परसेंटेज उसमें जाएगा, नहीं जाएगा। आपने पीडीएफ पढ़ी होगी, कहीं नहीं जाएगा, 2.0 का 2.0 में आएगा, 1.0 का 1.0 में आएगा, यही होगा ना जी, जी जी राइट, चलो इस चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि पुराने वाले में नए वाले का कोई भी बेनिफिट, उसका ऑटो फुल आ रहा है उसी स्पीड से आएगा, नया में हो सकता है आपको फास्ट मिल जाए सर, वही बात होगी आपकी, जो पहले 1.0 में आएगा तो ही तो 2.0 में जाएगा, हाँ ये भी राइट है, सही बात, तो फिर सर आप उस बात को क्यों नहीं, आप समझ ही नहीं पा रहे बात को,
थोड़ा समझो सिस्टम को। जी सर आगे बढ़ते हैं, दो हैंडलेज और है। सर को जवाब मिल गया, बहुत साथियों को जवाब मिल गया, आपने परफेक्ट जवाब दिया है। तो रामलाल सर आपको जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद, आपकी बहुत मधुर वाणी है, वाणी है। आपने 11 बजे कल भी आपने 12 बजे तक का टाइम लगाया और आप पूरे हिंदुस्तान के लीडरों को ट्रेन कर रहे हो, थैंक यू। एक तरह से बेरोजगार को रोजगार दे रहे हो, ये एक बहुत अच्छी भावना है कि आप गरीबी में जो पैदा हुआ है, बट आपकी अगर मीटिंग में एक बार अटेंड कर लेगा, मात्र एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट लगा के और ग्राउंड पे अगर मेहनत करेगा तो उसको कोई करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये चीज आपकी ट्रेनिंग में पूरी तरह से सिखाया जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों ये है डार्विन लाइफ का जलवा और देखिए जबरदस्त तरीके से मलिक सर हैंगेज बहुत बढ़ गया। तो साथियों आप सभी लोग अपने लिए मना रहे हैं, हमेशा ही सीखने सिखाने वाला मंच है और ये इससे हमेशा आप लोग प्यार देते रहें, अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करें इस वेबिनार के अंदर, क्योंकि वो ज्यादा जब सीखेंगे तो वो आपकी टीम की ग्रोथ, यानी आपकी टीम नहीं, वो केवल टीम ही नहीं, वो परिवार है और उस परिवार का ग्रोथ सोचना पूरा पूरा आपका दायित्व है। क्योंकि आपके परिवार का अगर ग्रोथ होगा ना, तो कहते हैं कर भला तो हो भला। आप अगर किसी के जीवन में योगदान देंगे उसका जीवन बनाने के लिए, तो वो आपका समय व्यर्थ न जाएगा, वो समय केवल और केवल आपको कामयाब बनाएगा। तो मलिक सर आपका जो आदेश हो, तो आगे अगर हैंडलेस लेना है तो ठीक है, या फिर हम आगे बढ़े और सर द्रुपा, सर द्रुपा भूटान से। तो हैंडेड ले लें मलिक सर, ले लो सर एक दो ले लो, क्या करें सर, हैंडेड रुकेंगे नहीं, अब लोगे फिर भी, चलिए कोई नहीं, फिर भी हम साथियों दो साथी और सुनते हैं हैंडेड में से। तो एक मुझे सबसे पहले दिख रहा है एसके टालविन लाइफ, लाइफ चेंजिंग सिस्टम नेवर एंड, तो इनको सुनते हैं, सर का हैंडलेस है। जी वेलकम सर आपका, आपका माइक अनम्यूट हो चुका है। सर उनका नाम ही नहीं है, उनको बुला कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, इनका नाम नहीं।